उत्तर पश्चिम रेलवे के लगभग 40,000 कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है, क्योंकि सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है। इस योजना के तहत सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन जैसे प्रावधान किए गए हैं, जिससे कर्मचारियों में खुशी की लहर है। योजना की जानकारी देने के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम उत्तर पश्चिम रेलवे के 40,000 कर्मचारियों को कवर करेगी, जिससे लगभग 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। वहीं प्रेस वार्ता में मुख्य कार्मिक अधिकारी राजीव सिंह ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से योजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 25 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्त से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। पारिवारिक पेंशन में कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उसकी पेंशन का 60% उसके परिवार को मिलेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे में हमारे जो न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत कवर होने वाले लगभग 38,000 सर्विंग एम्प्लॉइज हैं, और ये योजना जैसे कि बताया गया 1/4/25 से लागू की जाएगी, और उनके पास ये ऑप्शन होगा कि वो एनपीएस में रहना चाहते हैं या यूनिफाइड पेंशन स्कीम में रहना चाहते हैं। ये योजना बहुत ही प्रभावशाली तरीके से बनाई गई है। हमारे जो मान्यता प्राप्त संगठन है, जो हमारे कर्मचारियों हैं, उनने भी काफ़ी इसका जो है हर्ष के साथ इसका जो है अभिवादन किया है कि बहुत ही अच्छी स्कीम निकाली गई है।